जी ये देख सकते हैं आप सियालकोट में आ गए हैं। यहाँ पे बहुत नज़दीक पड़ता है यहाँ पे इंडिया का बॉर्डर भी, ठीक है। करीबन यहाँ से जो आपको मैं ये आधे पौने घंटे का रास्ता है जहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूँ, और ये रोड सीधा उधर ही जाता है। ये देखा है, ये अभी रोड है यहाँ, ये सारा उधर जा रहा है, और यहाँ पे लोग अभी यहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो ये देखें, ये सारा ये रोड उधर ही को जाता है, और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी बनी हुई हैं, बहुत सारी खुली जगह। और मुझे यहाँ पे आके सियालकोट के एरिया में आके आपको दिखा के बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये देखें आप, आगे दूर दूर फसलें भी हैं, हरियाली भी है, और यहाँ की आवाम बहुत अच्छी है। क्योंकि मैंने जिस जगह से हम एक जगह पे जा रहे थे, दो तीन जगह से हमने एड्रेस पूछा, मगर उन्होंने हमें बहुत अच्छा बताया है। तो रास्ता गाइडलाइन उन्होंने हमें ठीक दी है, कोई हमें उन्होंने मतलब के वो ऐसे धोखा नहीं दिया, जो जो रास्ता उन्होंने बताया बहुत अच्छा। और नहरें हमें रास्ते में मैंने देखी हैं, बहुत खूबसूरत थी। तो उन आपको उनकी तरफ भी लेके जाएंगे, वो भी आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे इंशाल्लाह। सियालकोट का बाजार में हम घुस गए हैं, और इस बाजार में भी आप देख सकते हैं लॉकडाउन का सामान चल रहा है सारा, कोई नहीं, कोई इक्का दुक्का ही शॉप्स खुली हुई हैं। ज्यादातर आपको देख रहे हैं सियालकोट में सारा ये बाजार बंद है। तो ये बाजार की तरफ ले चलते हैं आपको। ये बाजार है, ये सियालकोट का मेन बाजार है, मेन बाजार की तरफ हम जा रहे हैं। ये देखें, कुछ कुछ शॉप्स खुली हुई हैं सियालकोट की, कुछ कुछ बंद हैं। तो ये मतलब के 50-50 है, हुकूमत ने यहाँ पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी लॉकडाउन पे, आवाम महसूस पीस का ख्याल नहीं रख रहे। ये देखें लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और बड़ा मज़े का है ये बाजार, मैंने देखा, आप भी देखें। और इस बाज़ार को क्या कहते हैं जी, इस बाज़ार का क्या नाम है? इसका नाम ही उगो की बाज़ार है। कौन सा? उगो की। अच्छा, ये भाई ने बताया होगा, आपने सुन लिया, मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। तो ये देख लें, ये सामने मस्जिद है बहुत प्यारी। हाँ जी, हाँ, इंतजार क्या।